जुमला साबित होती नजर आ रही है अमित शाह की वाणी। सहारा इंडिया के मामले में 5,000 करोड़ का फैसला हुए, गुजरा एक महीना हो चुका लेकिन निवेशकों को अभी तक पैसा नहीं मिला। दोस्तों ये बड़ी अपडेट जो हम लेकर आए हैं सहारा इंडिया की लेटेस्ट अपडेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 2 मई 2023 की ताज़ा अपडेट है। दोस्तों अपडेट सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। सहारा इंडिया के अधिकारी की गिरफ्तारी हेतु शिवपुरी SSP से मिले सहारा निवेशक, गुलदस्ता भेंट कर सौंपा ज्ञापन। जुमला साबित हो रही है अमित शाह की वाणी। सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसे निवेशकों का जमा धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा से भी खाते से प्राप्त 5,000 करोड़ रुपए राशि निवेशकों को रिफंड जारी कर दी है, परंतु निवेशकों को उनकी राशि आज तक तिथि पर नहीं मिल सकी है। सहारा इंडिया के पीड़ित इन्वेस्टरों में इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए अब निवेशकों ने कहा है कि कहीं सरकार निवेशकों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही। वहीं निवेशकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए इसको साफ तरीके से जाहिर कर दिया है कि अगर 2023 में सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान नहीं होता तो आगामी चुनाव में मोदी सरकार को मतदान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी 9 करोड़ निवेशकों ने धौंस दी है। सुब्रत राय सहारा की गिरफ्तारी कब होगी? सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों ने सहारा इंडिया को लेकर लोकल ऑफिस में जाकर अपना पैसा जमा किया था तो कानूनी रूप से तो देखा जाए तो भुगतान सहारा इंडिया के ऑफिस से निवेशकों को तक पहुंचा जाना चाहिए, परंतु इस बात पर भी सरकार बिल्कुल चुप है। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक सहारा इंडिया के भुगतान से जुड़े रोड मैप पर भी कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ सहारा सुब्रत राय सहारा प्रदेश के विभिन्न कोनों में FIR दर्ज है, परंतु सुब्रत राय की गिरफ्तारी क्या कोई लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सुब्रत राय पर कानूनी शिकंजा कसने में नाकाम रहा है? ऐसी स्थिति को देखते हुए साफ तरीके से ये कहा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार से भी मतलब बड़े सहारा सुब्रत राय है, क्या उनकी मिलीभगत है? ऐसे में निवेशकों के साथ इंसाफ होते हुए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जुमला सरकार सहारा सुब्रत राय और से भी विवाद के खाते में 25,000 करोड़ रुपए में से मात्र 5,000 करोड़ रुपए निकाल कर निवेशकों को देने का ऐलान अमित शाह ने किया था, लेकिन ये भी मामला यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। उसी को लेकर हमारे पास ये अपडेट आई है। CRCS के दफ्तर में रोज़ाना पहुँच रहे हैं लाखों शिकायत। सहारा इंडिया से जुड़ी मनी रिफंड मानवीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली में कहा था कि सहारा इंडिया पीड़ित निवेशकों अगर अपना पैसा क्लेम लेना चाहते हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को के पास अपना आवेदन प्रेषित करें, जिसके बाद लगातार निवेशक सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपनी शिकायत प्रेषित कर रहे हैं, परंतु एक महीना होने आया है और आज तक भी निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है, जिसको देखते हुए निवेशकों में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक सरकार निवेशकों का जुड़ा भुगतान का रोड मैप तैयार करती है और कब तक निवेशकों को बैंक खातों में उनका जीवन भर का जुड़ा पैसा पहुंचाती है। तो दोस्तों ये थी सहारा से जुड़ी ताज़ा अपडेट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय जय भारत। सायनारा।